एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टेक्निकल खालिक में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्पो एप्लीकेशन क्या है और इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। इस एप्लीकेशन में आप फोटो ऐड करके वीडियो स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है टेम्पो। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इसका लोगो कुछ इस तरह का है। उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी में टेम्पलेट्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई सा भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके आप उसमें खुद का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम खुद का स्टेटस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्री टू यूज़ में क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो टेम्पलेट है वो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव टू फोन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है, जिसका आप यूज करके खुद का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें इमेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इंपोर्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको इमेज को इस तरह से सेट कर लेना है। अब जैसा इसे रखना चाहते हैं इस तरह से सेट कर ले, नेक्स्ट में क्लिक करें। उसके बाद फिर से इसे सेलेक्ट कर ले, इस तरह से एडजस्ट कर ले और इसे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर आपको रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रॉप करने के बाद नेक्स्ट में फिर से क्लिक कर देना है, फिर से इसे एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद फिर से नेक्स्ट में आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर आपको एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव टू फोन में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट रिसोल्यूशन, तो यहाँ पर आपका वीडियो का क्वालिटी यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे अभी हमारा ये वाला सिलेक्ट है, तो आप यहाँ पर प्रो वाला ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। एचडी में रखना चाहते हैं तो ये वाला आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फुल एचडी का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम यहाँ ये वाला सिलेक्ट करके देखते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट में क्लिक कर देना है। उसके बाद हम अपना वीडियो प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप भी यहाँ पर फोटो ऐड करके खुद का वीडियो स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इन टेम्पलेट्स का यूज करके खुद का वीडियो स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।